बच्चों, आप सभी ने 15 अगस्त तो मनाया, लेकिन क्या आपको पता है अगस्त के ही महीने में मुक्ति पर्व दिवस भी आता है। इस दिन हम अनेक गुरसिक महात्माओं के परोपकारों को याद करते हैं, जिन्होंने गुरु चरणों में तोड़ निभाई और जीते जी मुक्त हुए, तभी तो इसे मुक्ति पर्व दिवस कहते हैं। और आपको पता है इस लॉकडाउन में मैंने क्या किया? मैंने आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज रीड की और मिशन की बहुत सारी किताबें पढ़ी, जिनसे मुझे ऐसे महापुरुषों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला जो मैं आपसे शेयर करने आया हूँ। तो चलो देखते हैं कि आप इन्हें पहचान पाते हैं। जहलम नदी के किनारे नीला गांव में जन्म, भोलापन और सरल स्वभाव, गुरु परिवार के होते हुए भी संतों की सेवादार, सतगुरु की अर्धांगिनी, माता और दादी होने का श्रेय, परम पूज्य जगत माता बुद्धवंती जी, आपको शत शत नमन। जी बिल्कुल सही गैस किया आपने, हम बात कर रहे हैं जगत माता बुद्धवंती जी के बारे में, जिनको हम मुक्ति पर समागम पर भी याद करते हैं। और बच्चों, क्या आपको पता है मुक्ति पर समागम को पहले शहंशाह जगत माता दिवस के नाम से मनाया जाता था। आज मैं आपको जगत माता बुद्धवंती जी के जीवन का एक दृष्टांत बताती हूँ। एक बार जगत माता बुद्धवंती जी कुछ महात्माओं के साथ रावलपिंडी से डुडियाल की तरफ जा रहे थे। बात बहुत पुरानी है, तब रावलपिंडी स्टेशन से डुडियाल के लिए दिन में एक ही ट्रेन जाया करती थी। आप सभी महात्माओं के साथ स्टेशन पहुंचे। जैसे ही आप स्टेशन पहुंचे, गार्ड ने सीटी बजाकर गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। बस जैसे ही सीटी बजकर गाड़ी चलने की आवाज सुनी, सभी महात्मा जल्दी जल्दी से ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। सबने जल्दी जल्दी अपना सामान ट्रेन में रखा और फटाफट से अपनी अपनी सीट लेकर बैठना शुरू किया। इस भाग दौड़ में आप लोगों को ट्रेन की टिकट लेने का समय ही ना मिला। जब आप डुडियाल स्टेशन पर पहुंचे, और तभी गाड़ी में टिकट चेकर आ गए और उन्होंने आप लोगों से टिकट मांगी। आप बड़ी सरलता से, सच्चाई से टिकट चेकर बढ़े और आपने कहा कि हम लोगों ने भागकर रावलपिंडी से गाड़ी पकड़ी थी, टिकट लेने का समय ही नहीं मिला, वरना हमारी नियत में कोई खोट नहीं था। मैं ही नहीं, मेरे साथ जो भी भाई बहन जा रहे हैं उनके पास भी टिकट नहीं है। आप कृपा करें, हम सभी की टिकटों के पैसे लेकर आप हमें रसीद दे सकते हैं। इस बात को सुनकर और इस भोलेपन को देखकर टिकट चेकर भी मुस्कुरा दिए और उन्होंने आपसे टिकटों के पैसे लिए। रसीद देते हुए कहा, बहन जी, अगर आपकी तरह सभी इंसान सच्चे सुच्चे बन जाएं, तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। जी हाँ, ऐसे थे जगत माता जी। कितनी सादगी, सहजता और सच्चाई के साथ सदगुरु के संदेश को अपने कर्मों द्वारा किस तरह उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे अवतार बाणी में वो पंक्तियां भी हम सुनते हैं, रबनु हाजर नाजर तकना, इस तो वड्डा तरम नहीं, साध जनादी सेवा बाजो, चंगा कोई करम नहीं। आप बहुत सहजता से, हृदय में पावनता और निर्मलता के साथ, अपने कर्मों के साथ सदगुरु का संदेश देते आ रहे हैं, और हम सभी की तरफ से आप जी को शत शत नमन। तो देखा आपने किस तरह जगत माता जी ने सात संगत की सेवा की
और महापुरुषों की सेवा कैसे करनी है इसकी जांच भी सिखाई। साथ ही साथ उन्होंने हमें यह भी बताया कि मिशन के हर महात्मा पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सदगुरु के आदेशों पर चलने की, और जो गुरसिक इस रास्ते पर चलते हैं सदगुरु को उन पर खुद नाज होता है। हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन भी ऐसी एक पूर्ण गुरसिक के बारे में है। देखते हैं आप उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। जिन्होंने हमें जीना सिखाया और साथ ही दुनिया में सुखी रहने का तरीका बताया। आप जी ने निरंकारी मिशन और संसार को नारी शक्ति के महत्व को समझाया। आध्यात्मिक सुखों के साथ साथ आपने अपने गुरु सिखों के सांसारिक सुखों की भी कामना की। प्रेम और ममता की मूरत निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजमाता जी की, जिन्होंने भक्ति की ऐसी मिसाल कायम की कि जिसे वक्त के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी सलाम किया। राजमाता जी को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम जीवन अपना मानवता को समर्पित किया, समाज के उत्थान के लिए अपने योगदान दिए, घरों और गृहस्थियों को गृहस्थ निभाने की सीख दी, किस प्रकार से जो गुरमत के अनुसार जीवन जिया जाता है, वो गुरमत के सांचे में जो खुद इस कदर खूबसूरती से ढले हुए थे, सामाजिक जिम्मेदारी पारिवारिक जिम्मेदारी को जिस खूबी से उन्होंने निभाया, वो सब एक देखने को मिला है। और उस रूप में भी उन्होंने मार्ग प्रदर्शन किए कि समाज में भी किस तरह से विचरण किया जाता है। अगर माँ का रूप है, अगर पत्नी का रूप है, अगर सास का रूप है, बेटी का रूप है, किस तरह से वो सारे ही रूप उन्होंने किस प्रकार से पेश किए। एक यही प्रार्थना बनती है कि दातार कृपा करे कि उन जैसा सलीका आ जाए। आपको पता है बाबा जी ने फरमाया कि राजमाता जी खुद निरंकारी मिशन थे, शहंशाह जी वाला मिशन। तो आइए हम उनके जीवन से भी कुछ शिक्षा लेते हैं। जिथे जिथे भगत ने तेरे तेरे राज दुलारे ने। बाबा जी जिथे जिथे भगत ने तेरे तेरे राज दुलारे ने, अपना हाथ जे सिर ते रखे नस जांदे दुख सारे। देखा बच्चों, कैसे राजमाता जी ने सदगुरु की शिक्षाओं को जीवन में जी कर दिखाया। चाहे सदगुरु से कैसा भी रिश्ता हो, एक बहू का, एक पत्नी का या फिर एक माँ का, उन्होंने हमेशा गुरसिखी के रिश्ते को पहन दी और गुरसिख बनकर ही अपनी भक्ति निभाई। आप जी ने सिर्फ कहकर नहीं बल्कि अपने कर्मों से भक्ति और सेवा करके दिखाई। गुरमत के ऐसे नुस्खे बताए जिनसे हमें अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने की सिखलाई मिली, और आपका अक्सर हमें संगतों में गीत सुनाना, सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतानी टोली विच, आज भी हमें सदगुरु से मांगने की जांच सिखा रहा है। बच्चों, जगत माता जी और राज माता जी से हमने भक्ति और सेवा के गुण सीखे, तो जिन्होंने ये सारी शिक्षाएं खामोश रहकर अपनी जीवन में अपनाई, अब हम उनकी बात करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन है वो? आइए देखते हैं। क्षमा दान और सहनशीलता सदगुणों से भरे थे आप। इतिहास रचा मर्यादा का, हर रिश्ते को बस प्यार ही प्यार देते थे आप। घर घर ब्रह्म ज्ञान का दीप जले, ऐसा कर्म सिखाया आपने। हर संत हो खुशहाल,
जीवन बने रोशन मीनार, ऐसा वरदान दिया आपने। माँ सविंदर, एन एपिटोम ऑफ ह्यूमिलिटी, वरदायिनी परमेश्वरी, सतगुरु माँ, हमें तेरी ममता का आंचल मिला है, उपकार तेरा मिला ये बसेरा, मिला है ये जीवन को फिर नया सवेरा, मिला है ये जीवन को फिर नया सवेरा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं माता सविंदर हरदेव जी की। कैसे उन्होंने हम सभी को संभाला और अपने प्यार भरे दामन में हम सबको जगा दी। खुद की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल इस मिशन को समर्पित किया। तो चलिए उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। प्यारे बच्चों, देखो कितने सुंदर तरीके से हर एक माँ ने हमें हर एक रूप में गुरमत और गुरसिखी समझाई। जहाँ शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी का साथ देते हुए जगत माता बुधवंती जी ने गुरसिखी के भाव को आगे बढ़ाया, वहीं राज माता जी ने शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी और बाबा हरदेव सिंह जी के साथ रहकर भक्ति की मिसाल कायम की। और युग निर्माता माता सविंदर हरदेव जी ने भी बाबा हरदेव सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मिशन की शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाया। आप सभी ने स्वयं हम सबको अपने कर्मों से सेवा करके दिखाई और हमेशा सेवा करने के लिए प्रेरित भी किया। इंडीड ऑल ऑफ देम वर सेवा पर्सोनिफाइड। वहीं जब माता सविंदर हरदेव जी सदगुरु रूप में प्रकट हुए तो आपने हर एक गुरसिख को रोशन मीनार बनने का वरदान भी दिया। और बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम सबको एक नायाब तोहफा सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में दिया। तो आइए सदगुरु के चरणों में हम यही अरदास करते हैं कि हे सदगुरु माता जी, हमें भी ऐसी शक्ति देना कि आपके सिखाए मार्ग पर चल पाए। रहमते कि किस तरह ये प्रेरणा देने वाले जीवन जो रहे हैं इतने, चाहे वो सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के बारे में या जगत माता जी के, माता सविंदर जी महाराज के या अन्य कितने जो इस मिशन में इस तरह हमें दिए गए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की, इतने महान जीवन हम अपने एक्सपीरियंस करके उनसे प्रेरणा लेते हुए कितने ऐसे हम में से रहे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम एक फ़र्स्ट हैंड वो जीवन को विटनेस किए। और बाकी अगर हमारी उम्रें छोटी हैं और वो पुरानी यात्राएं जो तय कर गए, तो उनके हम चाहे बुक्स में रीड करें या और महात्मा जो उनके उस समय हम उम्र हमें आज भी वो पास ऑन करके बताते रहे हैं कि ऐसा महान जीवन जी के वो संत गए। तो दातार यही कृपा करे हम सब पे कि कैसे ये जो जीवन की यात्रा कर गए, हम अपने जीवन में वो उनकी एक सिखलाइयों को अपना पाएँ। तो राजमाता जी के भी जीवन में अगर हमने ये देखा कि किस तरह हम, अगर कोई भी संसार में है कोई भी, वो हर एक को अपना एक बच्चा ही मानकर इस तरह प्यार करते थे कि वो परिवार का हिस्सा ना भी हो, हर संत उनके लिए एक बराबर, इतना उन्होंने छोटी सी छोटी बात पे ध्यान रखना कि सद्गुरु को क्या पसंद है, क्या मर्यादा है। चाहे उनके जीवन में तो उन्होंने एक परिवार के रूप में एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक उस तरह देखा जाए तो ये सदगुरु को तीन रिश्तों में उन्होंने सर्व किया, फिर भी एक जो मर्यादा बनाई रखी, एक सिखलाई देते रहे वो जीवन में। चाहे हम उनकी कोई भी विचार उठा लें, कैसे उसमें एक प्रेरणा देनी, खास करके ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ें जो रिपीटेटिवली बहुत समझाते थे वो, कि एक परिवार में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमें किस तरह एक अपना कंडक्ट रखना है, एक अपने बोलचाल, अपने व्यवहार पे ये एक अपने आप को मॉनिटर करते हुए
कि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो कुछ भी सीखते हैं, हमें अपनी भाषा का किस तरह प्रयोग करना है उनके सामने, हमें किस तरह अपने आप को एक उस तरह जीवन में ढालना है कि बच्चे अगर कल को ये चीज़ ऑब्जर्व करके करें तो हम उन पे उंगली उठाएंगे कि ऐसा मत करो, तो वो तो यही कहेंगे आपसे ही सीखा है। तो कैसे हम खुद अपने आप को सुधारें, और इसका एक आसान जो सल्यूशन माता जी ने सिखाया वो ये कि अगर हम हर परिवार के सदस्य में एक अपने मदर, अपने फादर, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या कोई भी रिश्ता, आगे अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी में जिसके साथ भी हम हैं, तो उनमें अगर वो रिश्ता ढूंढने की बजाय ये याद रखें कि ये निरंकार स्वरूप है, ये महापुरुष है, ये ब्रह्मज्ञानी है, तो अपने आप फिर हमसे कोई ऐसे बोल भी नहीं निकलेंगे, कोई व्यवहारिक टोन भी हमारी ख़राब नहीं होगी, ऊंची नीची नहीं होगी, जब तक ये बात याद रहेगी कि सामने जिससे बात कर रहे हैं वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हैं। तो कैसे हम अगर ये बात को ही पहले प्राथमिकता दें कि हर सदस्य घर का ब्रह्मज्ञानी रूप मान के निरंकार का, वो एक बात ही फिर हमसे कोई ऊंची नीची उनसे उस तरह नहीं होगी कि बाद में जो हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसे ही फिर वो बच्चों के अंदर भी जो एक कच्ची मिट्टी के, वो भी अपने आप को उसी तरह ढालेंगे क्योंकि घर का माहौल, घर में व्यवहार ही उन्होंने ऐसा देखा होगा। तो ऐसी अनगिनत बातें ये जो दात राज माता जी ने सिखलाइयाँ बख्शी हमें, और ऐसे ही अगर आगे चलें तो जगत माता जी को भी देखा जाए तो कैसे उन्होंने भी फिर इस तरह जहाँ कोई भी महापुरुष संत आए उसको आते ही उस समय, तो चाहे अगर कोई यात्रा करके आए तो आज के मुकाबले वो ट्रांसपोर्ट भी उस तरह सहूलत का नहीं होता था, तो पहले कैसे आते ही उन्होंने भी एक देखना कि कुछ खाना खाया हुआ है महापुरुषों ने, नहीं खाया तो तुरंत खुद ही सेवा में लग जाना, खुद ही वो उस रूप में एक खाना भी देना, कुछ उस समय अगर कोई एक दो वस्त्र लेके ही अपनी यात्रा चल रहा, मैले कुचैले कपड़े, तो खुद फिर वो सेवा एक एक वो संत की उन्होंने अपने हाथों से करनी, चाहे उनके वस्त्र फिर धो के, कुछ फटे कपड़े हैं तो सी के, तो खुद कैसे एक माँ का रूप, एक अगर उस तरह ये भी कहा जाए कि मिशन में जो सेवा की एक साक्षात जो पहली प्रेरणा रूप इतने ऊंची पदवी, अगर उस तरह देखा जाए रिश्तेदारी तो उनकी एक गुरु की वाइफ बोला जाए, तो भी कैसे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का गुरुसिख ही मानकर एक वो सेवा भाव रखा। तो ऐसे जहाँ ये हमें जीवन के इतनी अनमोल शिक्षाएं मिली, वहाँ माता सविंदर जी महाराज का भी जीवन पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ कि कैसे हमने उस समय जब पूज्य माता जी के रूप में भी वो रहे तो सिर्फ एक सिखलाई प्यार की, एक ममता की उनसे, हर एक से वो जो वॉर्मथ मिलती थी कि बहुत ही अप्रोचेबल, बिल्कुल कोई भी कुछ भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो कैसे वो एक माँ का प्यार देते हुए समझते हुए, फिर अगर हमने वो दृश्य चाहे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखे होंगे कि कभी दूध जलेबी की सेवा अपने हाथों से करके हर एक को चाहे कितने घंटे लगें फिर भी वो अपने, जब तक आखिरी महात्मा ड्यूटी का ना आए तब तक हिलना नहीं कि अभी और महात्माओं ने आना है, खुद चाहे इतने घंटे खड़े हो रहना, बिल्कुल थकना नहीं है, चाहे थकावट है भी तो इजहार नहीं करना, कैसे रात को अगर समागम पे भी सर्दियों के दिन, बारिश के दिन, तो अपनी नींद, अपना आराम त्याग के कि सभी संतों तक वो कंबल पहुँचाए जाएँ कि उन्हें ठंड ना लगे, और फिर यहाँ तक भी हो जाना कि कभी दासी छोटी साथ एक बार कि एक खुद उन्होंने मोटी स्वेटर सी जो पहनी होनी और सारे कंबल ख़त्म हो गए तो एक बच्चा बहुत ही कांपता हुआ नज़र आया तो अपने पहना हुआ ओढ़ा हुआ उसको उसमें ओढ़ दिया। तो ये बिल्कुल ही ऐसी शिक्षाएं अगर देखा जाए तो ऐसा जो इतना महान सेवा के ऊपर, ये भक्ति के ऊपर आधारित इतने हमारे उदाहरण मिशन के, तो अगर हर एक के जीवन से भी हम कुछ कुछ अपने अंदर डाल लें तो हमारा जीवन अवश्य ही ये सवरेगा। तो दातार कृपा करे कि हर समय एक भक्ति भरा जीवन हमारा हो,
एक देने के लिए संसार के लिए हम हमेशा तैयार हों, हमारे मन के भाव एक आंसू पोछने वाले भाव हों, एक औरों को खुशियां देने वाले भाव हों, और ऐसा अपना जीवन को हम ऐसी फाउंडेशन, अभी बच्चे भी छोटे तो उनके लिए भी ये बाल संगत भी तभी इतनी ज़रूरी कि कैसे उसी समय से जब कच्ची मिट्टी के हैं तो फाउंडेशन तैयार इस तरह हो जाए कि इतनी वैल्यूज़ इनकल्केट तब तक हो जाएं कि जीवन में जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो तो जीवन पहले ही एक सही रास्ते पे और फिर सुधार और होता जाए। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि एक जीवन पूरी तरह इस ब्रह्म ज्ञान पे उतरे हर एक का, और जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती ना हो जो एक हमें गलत रास्ते पे डाल दे। तो दातार सभी पे कृपा करे जी। सात संगत जी, धन्यवाद जी। बच्चों, आप सब ने भी तो मुक्ति पर्व में महात्माओं से बहुत कुछ सीखा। आप वो सब हमसे शेयर कर सकते हैं onkidsdivine23@gmail.com पर।